हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम वे लर्निंग नोज नो बाउंड्रीज सो द चैप्टर विच वी हैव टेकन टूडे वॉज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज वी हैव कवर्ड एवरी थिंग विच वॉज देयर इन द चैप्टर एंड आई हैड रिक्वेस्टेड यू ऑल टू गो थ्रू द एक्सरसाइजेस हमने चैप्टर डिस्कस किया जिसमें मोशन की बातें की मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की क्वेश्चन के टाइप्स की बात की और मेजरमेंट की करेक्ट यूनिट्स स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एंड करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट इन सब चीजों की हमने बात की आज बारी है एक्सरसाइजेस करने की आई होप आप सबने ट्राई की होगी एक्सरसाइजेस करने की लेट्स डिस्कस और देखते हैं कि कौन से साम्स हम कर पाए हैं और कौन से क्वेश्चन थे जिनमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है ठीक है स्टार्ट करते हैं तो so, पहली हमारी एक्सरसाइज है इन द ब्लैंक्स वन बाई वन वी विल रीड टूगेदर कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इज वन मीटर इज ब्लैंक सेंटीमीटर सो वन मीटर जो हमारा रहता है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल रहता है हमने पढ़ा था वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर राइट ये हमने डिस्कस किया था क्लास में जब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे थे मेट्रिक मेजर की जब हमने बात की थी और मैथ्स में भी हम ये पढ़ते हैं क्लास प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज पढ़ी हुई है सो दिस इज अ प्रीटी इजी आंसर एवरीबॉडी आई होप एवरीबॉडी हैड आंसरड इट 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर्स कम टुगेदर टू मेक वन मीटर राइट लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव किलोमीटर इज नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फाइव किलोमीटर नाउ लेट्स डू लेट्स फाइंड आउट हमें यह पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है ये चीज हमें पता है कि वन मीटर थाउजेंड वन किलोमीटर थाउजेंड मीटर्स के बराबर होता है हमें पूछा कितना गया है फाइव किलोमीटर तो जब वन फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो अदर साइड भी फाइव से मल्टीप्लाई होगी राइट वन इज मल्टीप्लाइंग विद फाइव टू गेट फाइव सो दिस थाउजेंड इज ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई फाइव जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सॉरी थाउजेंड मीटर एंड दिस इज आर आंसर सो वॉट शुड आई राइट योर फाइव किलोमीटर इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड मीटर इज ऑलवेज देयर एंड वी हैव टू की कोई मेजरमेंट आप लिखते हैं कोई भी उसका मेजरमेंट का जो मेजर है जो अमाउंट है क्वान्टिटी है आप लिखते हैं ऑलवेज ऑलवेज मैंशन यूनिट बिकॉज अगर यूनिट हम मैंशन नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है इट बिकम्स यूजलेस दो क्वेश्चंस हमने किए ठीक है ठीके? तो हमने यहां भी लिखी यूनिट हमें ऑलरेडी मेंशनड है और इधर भी यूनिट इज ऑलरेडी मेंशन यूनिट हमेशा मेंशन करनी ही करनी है जब भी आप मेट्रिक मेजर मेजर्स की नॉर्मल मेजरमेंट की बात करते हैं यूनिट को हमेशा मेजर कर आपको मेंशन करना ही करना है थर्ड क्वेश्चन हमारा है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग Now that day we discuss like this is the base of that swing. this swing is going like this. The child is going fro and coming back, going forth and coming back. So what kind of motion is this? So हमने पिछली क्लास में बात की थी motion जिसमें एक rhythm follow होती है उसको हम क्या कहते हैं periodic motion क्योंकि क्योंकि एक फिक्स स्टीम चल रहा है यहाँ पे आया वापस गया वापस रेपिटेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मदर्स है है? uh, uh, या कोई और आंट एनी बडी अ स्विंग मशीन सिलाई मशीन अगर आप यूज करते हैं तो उसकी सुई ऊपर जाती है वापस नीचे आती है एक फिक्स हाइट पे ऊपर जाती है फिक्स हाइट पे नीचे आती है मतलब उसी जगह वो मोशन कर रही होते तो दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल दिस इज इट इज देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन बट सिंस इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हील इट हैज रोटेशनल और सर्कुलर मोशन rotational right so these are our fill-ups 1 meter is equal to 100 centimeter 5 kilometers is equal to 5000 meter the motion of a child in a, on a swing is periodic motion because there, there is a rhythmic motion happening and then that of a swing machine it's similar because same rhythm is followed सो इट इज ऑल्सो प्रियोडिक मोशन और थर्ड टाइम फोर्थ क्वेश्चन हमारा है जो साइकिल का टायर होता है अब उसका अंदर वाला जो इनर uh, उसका सर्फर बात करें तो वो रोटेशनल मोशन कर रहा होता है और उसका जो रिम है जो ट्यूब है दैट इज डूइंग सर्कुलर मोशन बिकॉज वो पूरा घूम रही होती है सो देर आर दिस काइंड ऑफ मोशन इज हैिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वाई कैन अफ अ फुट कैनोट बी यूज एज अटैंडर्ड यूनिट राइटस दिस थिंग आपका फीट आप जो अपना चलते हैं तो आपका एक स्टेप रहता है वो आप क्यों नहीं ले सकते स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में वो हम स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में क्यों नहीं देते बिकॉज एवरी बॉडी इज पेस सबका जो हाइट अलग रहता है फुट लेंथ इज डिफरेंट तो आप कैसे उस चीज को स्टैंडर्ड मान सकते हैं अ पेस और अ फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज यूज एज अ As a standard unit, because everybody's foot size. Is different and it and there is no uniformity. There is no uniformity. now this is the answer a pace or a footstep cannot be used as a standard unit because everybody's foot size is different and there is no uniformity how how long step longer steps a person is taking what is the size of their foot so this is not standard this keeps on changing that is why we cannot use a pace or a footstep as a standard unit let's look on to the next question arrange the following lengths in their increasing magnitude now increase we we have to arrange them in such a way that the lowest one comes first and the greatest one is put in the last place let's see which all units do we have we have 1 meter we have 1 centimeter 1 kilometer and 1 millimeter now on second in our second class we discussed that 10 millimeters come together to make सेंटीमीटर राइट दिस वी हैव डिस्कस देन दर इज अ कनेक्शन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर ऑल्सो हंड्रेड सेंटीमीटर कम टू मेक वन मीटर ये भी हमने पढ़ा था फिर थाउजेंड मीटर्स मिलके एक किलोमीटर बनाएंगे ठीक है तो हम इसको देखते हैं टेन मिलीमीटर मिलके क्या बना रहे हैं एक सेंटीमीटर बना रहे ठीक है फिर हंड्रेड सेंटीमीटर मिलेंगे तब हमारा एक मीटर बन जाएगा राइट right? और फिर थाउजेंड मीटर मिलेंगे तब हमारा किलोमीटर बन जाएगा नाउ दिस इज द दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड हाउ दे आर रिलेटेड नाउ वी कैन इजीली मेक आउट विच वन इज कमिंग इन फर्स्ट प्लेस दिस वन इज द स्मॉलेस्ट देन दिस इज ग्रेटर And even bigger, and this one is the greatest. So let's arrange them. First place will come. The smallest one will be one millimeter. The smallest one be one millimeter. Then we have one centimeter. right then comes the meter and the greatest one of them all these four talking about these four is 1 kilometer right so of these four units the smallest one would be millimeter then we have centimeter

वट इज गिवेन इन दिस क्वेश्चन हाइट ऑफ अ पर्सन कितनी दी है हाइट उन्होंने ठीक है हाइट ऑफ दर्सन राइट इसको हमको तो चेंज करना है सेंटीमीटर में एंड मीटर्स में कैसे चेंज करेंगे वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो जब मीटर हमारा 1.65 है तो सेंटीमीटर भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में तो मीटर जब में क्या आया 1.65 मीटर इज गिवन मतलब जब वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आते हैं तो 1.65 गिवन है उसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई राइट इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओके, okay? सो so, ये हमारा आ जाएगा 165 सेंटीमीटर अब इसको मिलीमीटर में चेंज करना है ठीक है मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है कि वन मिलीमीटर mm जो होता है दैट इज इक्वल टू वन बाय टेन सेंटीमीटर वन मिलीमीटर किसके बराबर होता है वन बाय टेन सेंटीमीटर हमारे पास मिलीमीटर्स कितने हैं हमारे पास सेंटीमीटर्स कितने हैं 165 सेंटीमीटर तो हम क्या कर देंगे 165 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 16.5 पॉइंट दैट इज 16 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर ठीक है दिस विल बी द हाइट ऑफ द पर्सन कैसी किया हमने पहले हाइट इज गिवन वन दन हंड्रेड तो 165 को जब करेंगे तो 165 सेंटीमीटर आ जाएगा ये तो हमारा आ गया सेंटीमीटर में जो हमें यूनिट चाहिए इसके बाद अब सेंटीमीटर को भी हमें क्वेश्चन क्या चाहता है क्वेश्चन वॉन्स की हम उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर mm में फाइंड करें जो हमें जो सेंटीमीटर में मिला है उसको मिलीमीटर mm में चेंज करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा एक मिलीमीटर किसके बराबर रहता है वन बाय टेन सेंटीमीटर हमारे पास कितने कितने सेंटीमीटर हंड्रेड एंड सिक्सटी so फाइव तो हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव को डिवाइड कर दो टेन से ठीक है तो सिक्सटीन सेंटीमीटर और फाइव मिलीमीटर mm हमारा आंसर आ जाए ठीक है आई होप आई मेड इट क्लियर ठीक है चलिए चलते हैं हम अपने रीड टुगेदर मेरे साथ आप भी पढ़िए डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज थ्री टू फाइव जीरो मीटर थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन टू किलोमीटर वॉट इज गिविन टू आस डिस्टेंस इज गिविन टू आस ठीक है डिस्टेंस गिविन है किता है जीरो मीटर गिवन है राइट दिस इज द डिस्टेंस गिवन हमें इसको चेंज किस में करना है किलोमीटर में चेंज करना है वन मीटर किसके इक्वल रहेगा वन बाय थाउजेंड किलोमीटर सारा ही रफ करना सर बीच हमें पता है वन वन मीटर इज इक्वल टू वन बाय थाउजेंड किलोमीटर क्योंकि थाउजेंड मीटर मिलके एक किलोमीटर बना रहे हैं तो एक मीटर में कितने कितने हमें थ्री टू फाइव जीरो गिवन है थ्री टू फाइव जीरो मीटर गिवन है तो आप क्या करोगे थ्री टू फाइव जीरो को थाउजेंड से डिवाइड कर लेंगे ठीक है डिवाइड करेंगे हम जब डेसिमल्स रिमूव करेंगे Write the number, count the number of zeros One, two, three. So we will put decimal at before 3 digits. 3 decimal places aage. Now the number which is before decimal is the greater unit, that is kilometer. And the number which is after decimal is smaller unit, so that is meter. Simple hai. Bada unit. क्योंकि जो नंबर भी डेसिमल से पहले होता है वो बड़ा होता है डेसिमल के बाद वाला नंबर छोटा होता है तो डेसिमल से पहले जो है वो किलोमीटर होगा हमारा और डेसिमल के बाद हमारा मीटर होगा ठीक है आई होप इट इज क्लियर ओके नाउ दिस इज हमने दिस क्वेश्चन सेज इज वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ अटिंग निडल द रीडिंग ऑफ द स्केल ऑन वन साइड इज थ्री सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इट इज थर्टी थ्री पॉइंट वन सेंटीमीटर वॉट इज द लेंथ ऑफ निडल सो हमने आपको हमने जिस दिन डिस्कस करी थी मेजरमेंट पढ़ा था करेक्ट मेजरमेंट हमने पढ़ा था कि अगर आपका स्केल ब्रोकन भी है तो आप अपना जीरो कहां से मान रहे हैं आपका जो जीरो है आपका जीरो ही थ्री सेंटीमीटर पे है राइट right? तो जहां से आप शुरू कर रहे हैं उतने मेजरमेंट को आप फाइनल मेजरमेंट में से माइनस कर लेंगे क्योंकि उससे पहले का स्केल इज ब्रोकन तो आपका आप अपना जीरो ही जब थ्री पे मान रहे हैं तो आपकी मेज, आपकी जो लेंथ आएगी वो थ्री मीटर थ्री सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आएगी तो आप इसमें क्या करेंगे आपका जो फाइनल रीडिंग है 33.1 सेंटीमीटर उसमें से जितना जहां जो आपने आपका जीरो इतना कम था उस स्केल में माइनस कर देंगे तो आपको एक्यूरेट लेंथ मिल जाएगी नाउ द एक्यूरेट लेंथ ऑफ आर निडल इज थर्टी पॉइंट वन सेंटीमीटर ठीक है, इसको कैसे करते हैं? आपका स्केल है तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से आप शुरू करें तो तीन तो ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो तीन जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं उन्हें अपनी फाइनल रीडिंग में से आप डिक्रीज करेंगे माइनस करेंगे तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी सो डूइंग दैट सब्ट्रेक्शन वी गॉट थर्टी पॉइंट वन जो हमारा एक्यूरेट रीडिंग है राइट देन राइट द दिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन विच बीन स्विच्ड ऑन नाउ आपका जो सीलिंग फैन होता है मोशन ऑफ बाइसिकल मोशन ऑफ ऑफ सीलिंग फैन अब आपको पता है आपकी बाइसिकल जब मूव करती है क्या आपकी बाइसिकल स्टेशनरी रहती है नहीं आपकी बाइसिकल इज नॉट जस्ट डूइंग द रोटेशनल मोशन और एक्टीलिनियर मोशन भी कर रही होती है सपोज दिस इज योर बाइसिकल यू आर मूविंग तो वो तो आगे भी जारी होती है ना वो तो आगे भी जारी होती है स्टेशनरी थोड़ी होती है जबकि आपका जो सीलिंग फैन है दैट इज स्टेशनरी आपका सीलिंग फैन तो स्टेशनरी रहता है राइट right? वो तो एक ही जगह घूमता रहता है तो वो सीलिंग फैन पे सर्कुलर या रोटेशनल मोशन होगा बट बाइसिकल में सर्कुलर और रोटेशनल के साथ साथ सिंस इट इज मूविंग आल्सो तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है ये वाला इट इज नॉट स्टेशनरी जबकि ये स्टेशनरी रहता है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है राइट वाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज अ मेजरिंग टेप मेड मेड ऑफ एन इलास्टिक मटीरियल लाइक रबर टू मेजर डिस्टेंस वट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम यू वुड मीट इन टेलिंग अबाउट डिस्टेंस टू मेजर विद सच अ टेप और राइट नाउ इलास्टिक यू ऑल नो वेन यू स्ट्रेच इट इट गेट पुल्ड

क्योंकि वो तो स्टेशनरी है ही नहीं एवरी टाइम यू पुल इट एंड इट गेट स्ट्रेस्ट सो जो हमारी रीडिंग आएगी वो गलत आएगी तो आपको इलास्टिक टेप इज नॉट एन एक्यूरेट मटीरियल टू मेक अ मेजरमेंट टेप और उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जो हम मेजरमेंट लेंगे जो रीडिंग लेंगे वो फ्लक्चुएट होती रहेगी चेंज होती रहेगी बार बार और हम एक्चुअल रीडिंग नहीं ले पाएंगे ओके सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वी हैव टू गिव Two types of periodic examples of two periodic motions. Now, one is a clock pendulum, right? Then a child on a swing, on a swing, then

साइंस की बुक में एग्जाम्पल मिल साइंस एग्जिस्ट ऑल अराउंड यू तो कहीं भी वेर एवर यू फाइंड एन एग्जाम्पल इट इज देयर स्प्रिंग में अगर बार 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 वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है राइट वो भी पीरियोडिक मोशन होता है सो ऑल दीज थिंग्स जो आपकी हैं वो पीरियोडिक मोशन में आएंगी राइट सो दैट इज इट फॉर टुमोरोज क्लास आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस एंड डिड द सॉल्यूशंस स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच मी एनी टाइम आप कमेंट्स कर सकते हैं राइट एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास इन विद द न्यू चैप्टर गुड आफ्टरनून बाय बाय